एवरीवन, आई एम पूर्णिमा सिंह। वेलकम टू पूर्णिमा सुपर किचन। आज हम बनाएंगे वाटरमेलन जूस और वाटरमेलन आइसक्रीम। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। वाटरमेलन जूस और आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने वाटरमेलन लिया है और ये शुगर चीनी चाहिए होगी एंड नींबू का रस चाहिए होगा और ये ब्लैक सॉल्ट लिया है मैंने और ये जलजीरा पाउडर गोल्डी का लिया है। अब वाटरमेलन को एक मिक्सर जार में डालेंगे। पीसेस कर लिए हैं मैंने जी। जितना मैंने हाफ के जी वाटरमेलन लिया था इसमें आधा मैंने इसमें डाल दिया है। इसका मैं जूस बनाऊंगी। सॉल्ट डाल देंगे, चीनी डाल देंगे 2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हम जूस बना रहे हैं इसलिए इसमें चीनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अगर आपको ना पसंद हो तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। अब आधा कटा हुआ नींबू भी डाल देंगे, नींबू का रस। 1 टीस्पून जलजीरा मसाला डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। इससे बहुत ही अच्छा खट्टा टेस्ट आता है। अब इसे ब्लेंड कर लेने, ब्लेंड कर लिया है। अब इसे छान लेंगे। ये तैयार है हमारा जूस। अब इसे एक ग्लास में पोर कर देंगे। ये ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाता है इसलिए 4 से 5 आइस क्यूब्स डाल देंगे। अब हम आइसक्रीम की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए मैंने ये वाटरमेलन जो बचा था उसे भी जार में डाल दिया है। आप इसमें 4 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे। ये आइसक्रीम बना रहे हैं, आइसक्रीम मीठी होती है इसलिए चीनी ज़्यादा चाहिए होगी। अब ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसे भी उसी तरह से छान लेंगे जैसे हमने दूध को छाना था। ये छान लिया है मैंने, अब इसे जमने के लिए रख देंगे। अब हम आइसक्रीम को मोल्ड्स में डालेंगे। सभी भर लेंगे। अब इसे हम फॉइल से कवर करेंगे। ये फॉइल से मैंने कवर कर दिया है मोल्ड्स को। अब नाइफ की सहायता से इस पे कट लगाएंगे छोटा सा। अब इसमें स्टिक डाल देंगे। इसी तरह से हम स्टिक लगा लेंगे और इसे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए छोड़ देंगे। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। लीजिए, तैयार है हमारी आइसक्रीम और जूस, वाटरमेलन जूस। थैंक यू।